Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। सैतालीस करजन सिनोर पौर विधानसभा के लिए कल मतदान होने जा रहा है और उसी को चलते वडोदरा जिला प्रशासन की ओर से उनकी सारी तैयारियां पूर्ण कर देने वाली है। अब यहां पर इस बात पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिला कलेक्टर श्रीमती शालिनी अग्रवाल। मैम, ये जो मतदान होने जा रहा है इस पर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या तैयारियाँ? इस बार का जो मतदान हो रहा है उसमें COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रह के ये सब मतदान की प्रक्रिया करवाई जा रही है। कल मतदान होना है और उसको ध्यान में रख के आज सभी पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग स्टाफ जा रहा है। डिस्पैचनी जो कामगिरी है उसमें उनको सभी को COVID-19 की जो किट है वो देने में आ रही है। कल ये लोग सभी जब मतदान मथक ऊपर बैठेंगे तो फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र वो सभी पहन के और सामान यूज़ करेंगे। जितने भी मतदान आएंगे उन सभी का टेम्परेचर लिया जाएगा। हेल्थ की टीम्स को स्पेशली COVID-19 के लिए वहाँ पे डेप्यूट किया गया है। उनके हाथ सैनिटाइज़ करवाए जाएंगे मतदारों के, और EVM बटन दबाने के लिए भी उनके ग्लव्स दिए जा रहे हैं एक हाथ के लिए, जो ग्लव्स मतदार पहनेंगे। तो COVID-19 के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सभी फॉलो करके, और इस बार का इलेक्शन बहुत विस्तृत इस मायने में रखता है और उन सभी की कामगिरी चल रही है। मैम, क्या ये कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के चलते जब ये चुनाव हो रहे हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है अभी? जिला जो इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन ऑफिसर का जो ऑफिस है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो सेफ और सिक्योर माहौल में आयोजित हों और COVID-19 की जितनी भी गाइडलाइंस हों वो फॉलो हो। चैलेंजिंग है बट इलेक्शन कमीशन की विस्तृत गाइडलाइंस हैं और उन सभी को फॉलो करके हम लोग ये इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। स्पेशली अगर ये जो 311 पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो इसमें से वल्नरेबल जो बूथ हैं उन पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? जितने भी सेंसिटिव क्रिटिकल वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट, आर्म्ड पुलिस का डिप्लॉयमेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा वेबकास्टिंग की भी सुविधा की जा रही है। पुलिस और वहीवटी तंत्र और इलेक्शन का जो ऑफिस है वो सभी मिल के कायदा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से रहे उसकी सभी तैयारियां की गई हैं। साथ में ही FSTs और FSCs की संख्या बढ़ा दी गई है और वो भी पूरे मतदान मथक विस्तार में कंटिन्यूस जा रही हैं, और इलेक्शन एक्सपेंडिचर की जो टीम्स हैं वो भी सतत काम कर रही हैं। तो ये थी जिला समर्था श्रीमती शालिनी अग्रवाल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि कोविड महामारी के चलते जब ये मतदान होने जा रहा है ऐसे में लोगों को कोरोना का संक्रमण न हो इनके लिए भी वडोदरा जिला प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ला, गांव करजण, गुजरात तक।